संगम नगरी प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा लालापुर भगवान भोलेनाथ की नगरी के समीप ऐतिहासिक मनकामेश्वर धाम मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंवर रेवती रमन सिंह राज्यसभा सांसद और विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी पंडित अभिषेक मिश्रा रहे। सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने मनकामेश्वर धाम के पावन धरती पर पहुंचकर विशाल शिवलिंग का दर्शन किया। सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा कि आज इस पावन धरती पर भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण होने से पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। हम समाजवादी लोग सभी धर्मों को लेकर चलते हैं और मानते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे विपक्षियों ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी को बताकर बदनाम कर दिया। वहीं पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि मनकामेश्वर धाम की पावन धरती पर आकर हम अपने आप को बहुत ही धन्य समझते हैं। वहां की जनता से अपील भी की कि 2022 में एक बार सपा को मौका दे, जो बचा हुआ काम है उसे पूरा करने का काम भी किया जाएगा। सपा सरकार जो विकास की रफ्तार थी वो रुक गई। रतन केशरवानी, योगेश चंद्र यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रयागराज, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं समाजवादी पार्टी 12 विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता घनश्याम कोटार्य की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में इंद्रनाथ मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोंधियारा, प्रदीप तिवारी लखनऊ, सत्यभामा मिश्रा गुलाबकली, अनुज मिश्रा, अरविंद मिश्रा उर्फ गुड्डा, जितेंद्र मिश्रा, सचिन वैश्य पूर्व चेयरमैन, कामत प्रताप सिंह पूर्व प्रधान, मान सिंह प्रधान चितौरी उपस्थित रहे। लिखी है एक ऐसा पावन स्थल है जहां आकर के आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया, हम लोगों ने बड़ी श्रद्धा बढ़ी, उसके साथ हमने नमन किया, ईश्वर का आशीर्वाद लिया अपने लिए, परिवार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, सबके लिए शुभेच्छा की, हिन्दुस्तान के लिए कामना की, कोविड जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए उसके लिए कामना की, हमारा नौजवान दोबारा रोजगार से जुड़ सके, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा दोबारा ठीक हो सके, सुरक्षा की व्यवस्था ठीक हो सके, उत्तर प्रदेश के लिए कामना की, प्रार्थना की। भगवान परशुराम की प्रतिमा का हम लोगों ने आज नया स्थापना की, उसका अनावरण किया, प्रथम पूजन और प्रथम आरती का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ में प्रदीप तिवारी जी हमारे जिलाध्यक्ष जी, तो सबके साथ एक पूरे परिवार के साथ, पूरे समाजवादी परिवार के साथ लोगों के बीच मिलने का, आज अपनी बात रखने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य है जो भोलेनाथ के दर्शन।